भगवान के नाम बहुत हैं, परंतु वो शक्ति नाम में नहीं होती। शक्ति होती है महापुरुष के संकल्प। ये बात क्या है आपको ठीक से ध्यान देना चाहिए। जो समझना चाहते हैं उनके लिए हमने अनुभव किया है कि संसार में जितना रूप है वो सब भगवान का, और जितना नाम है वो सब भी भगवान का। ये घड़ा कपड़ा औरत मरद ये सब नाम भी भगवान के ही हैं, है ना। हमने सब नाम रूप भगवान में डूबते देखा है और उसमें से उतराते देखा है और देखा है ना। इसका अर्थ है कि दुनिया के सब रूप भगवान के। तो एक विषया के रूप का ध्यान करो तो दरअसल वो है भगवान का ध्यान, और कृष्ण का ध्यान करो तो वो भी दरअसल भगवान का ध्यान है। लेकिन महात्मा लोग शास्त्र कृष्ण के रूप के ध्यान में तो भगवत्व की स्थापना करते हैं, और चांडालिन के रूप में या पाकनी विषया के रूप में या चील के रूप में भगवत्व की स्थापना नहीं करते। उपासना के लिए एक में भगवत्व की स्थापना होती है और एक में नहीं होती है। तो भगवान का सब रूप होने पर भी महात्मा लोग जिस रूप में भगवान का नाम बतावेंगे उसी का ध्यान किया जाएगा, और भगवान का नाम सब होने पर भी वो जिस रूप में भगवान का नाम बतावेंगे उसी का जप किया जाएगा। तो कोई विशेष न होने पर भी महात्मा लोग लोगों के कल्याण के लिए, कल्याण कल्याण का जब भेद हो गया है तो नाम में भी सविशेष निर्विशेष का भेद कर देते हैं। नाम के निर्विशेष जप से लाभ नहीं होगा, नाम के सविशेष जप से लाभ होगा। और वो सविशेष क्या होगा, तब महात्माओं ने जिस नाम का संकल्प कर दिया है। पहले गांव में महात्मा लोग वितरण करते थे जंगलों में। एक छटपटा का हुआ आया, महाराज काला बिच्छू डंक मार गया है, राम 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 काला बिच्छू डंक मार गया। और महात्मा ने क्या किया कि उसके ऊपर ऐसे हाथ फिराया, नौ कारी नौ डोरी नौ सिनोरी। अब नौ कारी नौ डोरी नौ सिनोरी में क्या रखा है, पर वो सिद्ध पुरुष का जो संकल्प है वो उस शब्द में भर गया है। तो भगवान का नाम वही लाभदायक होता है जिसमें महात्मा लोग अपना संकल्प भर देते हैं। और खास करके इस व्यक्ति का उद्धार इस नाम से हो ये संकल्प भी भर देते हैं, ना। जैसे अजामिल का उद्धार नारायण नाम से हो, जिस साधु ने उसके बेटे का नाम रखा उस साधु ने ये भर दिया कि इसी नाम से इसका कल्याण हो जाए। तब पुकारा अजामिल ने बेटे, नहीं तो बेटे के नारायण नाम में उद्धार की शक्ति कहाँ से आ जाएगी। इसी को कहते हैं सागर मंत्र हो, मन नाम प्रभाव जान हर गिरिजा, सागर मंत्र जाल किन सिरजा, अनमिल आखर अर्थन जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। तो यदि किसी महात्मा ने ये संकल्प कर दिया कि इस नाम के उच्चारण से इस जीव का कल्याण हो, ये जप का रहस्य हो, इसी को मंत्र बोलते हैं। तो हमने पहले आपको सुनाया कि हमने सब नाम को और सब रूप को भगवान में लीन होते और निकलते देखा है। भगवान के नाम के सिवाय और कोई नाम नहीं है, भगवान के रूप के सिवाय और कोई रूप नहीं है। पर महात्मा ने तुम्हारे लिए किसका संकल्प किया है, तो बोले कि देखो रोहिणी ने पुकारा भग्नार्जुन तो भगवान नहीं आए, और जसोदा ने पुकारा कृष्ण तो भगवान आ गए। क्योंकि दुर्गाचार्य ने भग्नार्जुन नाम तो रखा नहीं था, कृष्ण नाम रखा था उन्होंने, इसलिए कृष्ण नाम से भगवान दौड़े दौड़े आए। अब एक धर्म की बात करते हैं, ये भक्ति शास्त्र की बात है।
एक पंडित जी यहाँ थे बम्बई के ही हो, तो किसी सेठ का कोई काम था, तो सेठ पंडित जी को लेके आए कि महाराज इनको कोई अनुष्ठान बता दो और हमारा काम पूरा हो जाए। मैंने पंडित जी को बता दिया, एक बार पूरा हो गया, फिर दोबारा कोई काम पड़ा किसी और का होगा तो वो बता दिया तो वो भी पूरा हो गया। एक बात आपको सुनाता है, अब पंडित जी को ये ख्याल हो गया कि ये मंत्र तो बड़ा पावरफुल है, तो उनका कोई काम पड़ा तो उसके लिए उन्होंने उस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। अब उनका तो काम ही ना हो, अब एक बरस छह महीना किया, एक बरस किया, फिर मेरे सामने आए, मेरे पास बोले महाराज उस मंत्र को तो हम जपते हैं तो हमारी आंख के सामने आग जलती है, हमारा काम और बिगड़ जाता है। मैंने कहा भाई इसको छोड़ दो, अब एक बात देखो, हम तो भाई ब्राह्मण के घर के पैदा हुए हैं ना, तो हमारे घर में तो ये सब खटखट हो रही। हमारे लड़की का था ब्याह, तो हमने कहा हम पैसा किसी से मांगेंगे नहीं, पैसा अपने पास तो था ही नहीं, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं होता था, हम माता जी के पास था तो देती नहीं थी, पिताजी मर गए थे, हमारे पास कुछ नहीं, तो हमने कहा अच्छा हम किसी से मांगेंगे नहीं। तो एक ब्राह्मण बैठाया मंत्र जप करने, 18 दिन का अनुष्ठान था, तो नारायण जब वो मंत्र जपते तो 18 दिन में तो हमारी लड़की का ब्याह हो गया। अब उनकी लड़की का ब्याह होने का था तब वो जपना शुरू किया उन्होंने कि हमारे भी हो जाए, तो उनको ऐसा लगा कि वो दिए की लौ जलानी पड़ती थी, दिया जला के बैठना पड़ता था, तो दिए की लौ दिए में से निकल के उनकी आंख में घुस रही है, बेचारे घर जाए मालिक गिर पड़े हाथ में दर्द। एक सज्जन कृष्ण का मंत्र जपते थे, तो उनको किसी दूसरे देवता की सिद्धि अच्छी लगी, आसान लगी, तो कृष्ण का छोड़ दिया और दूसरे देवता का जप तप कर रहे। तो महाराज दूसरा देवता तो खुश होगा, तो खुश होगा वो पहला देवता था ना, हाँ उसने अपना मुंह फेर लिया, बिल्कुल मुंह ही फेर लिया। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे दो देवता तीन देवता चार देवता नहीं होते हैं, देवता सब देवताओं की आत्मा एक ही होती है, तो एक देवता जिससे नाराज होगा ना उससे दूसरे देवता की आत्मा खुश नहीं हो सकते। जैसे आपके भीतर कोई कुटे हो और उसको देख के एक महात्मा सच्चा महात्मा होना चाहिए वो नाराज होता है, तो आप ये सोचें कि दूसरा महात्मा इसको देख के खुश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों महात्माओं की आत्मा तो एक ही है, बिल्कुल एक है। ये बात आपको सुनाई, तो क्योंकि वो जिस स्थिति में अच्छाई और बुराई है उनसे दोनों ऊपर उठ के रहते हैं, और वो अच्छाई और बुराई दोनों को बिल्कुल एक तरीके दिखाई पड़ते हैं। ये साधुता का एक विज्ञान दूसरा है। कल आवेगा सवेरे के प्रसंग में, अथ ब्राह्मण पांडित्य पूरा प्राप्त करके बालक की तरह रहे और बालकपना पूरी तरह छोड़ के मौन रहे, मन बालकपना पूरी तरह प्राप्त करके मौन हो जाए, और मौन अमौन दोनों छोड़ के ब्राह्मण होता है। तो फिर प्रश्न उठाया कि कैसा आचरण करे तब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण माने ब्रह्मज्ञानी हो, तो उसके उत्तर में ये कहा है कि कैसा आचरण करे तब ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, ब्रह्मज्ञानी जो आचरण करता है उसी से ब्रह्मज्ञानी होता है, कोई आचरण करके वो ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, बल्कि ब्रह्मज्ञानी के सारे आचरण ही उसके ब्रह्मज्ञान को सिद्ध करते हैं। ये बात कल सवेरे वहाँ आने वाली है। तो आओ अब आपको धर्म की बात सुना, यशोदा मैया श्री कृष्ण से इतना प्रेम नहीं करती कि नंद बाबा को बिल्कुल भूल जाएंगे। साध्वी सा ब्रजपानुशासन चढ़ा संभोक्ष्यमाणं ब्रजाति संजत पुरतो विदाय सुखिनी जाता च्युत प्रीतिता। यशोदा मैया साध्वी है, वो लव मैरिज माने तलाक देने की आजादी है कि नहीं, धर्म विवाह माने तलाक देने की आजादी नहीं परतंत्रता। तो वो ब्रजपानुशासन चढ़ा, वो नंद बाबा की आज्ञाकारिणी है, नंद बाबा ने भेजा है कि कृष्ण को बुला के ले आओ, हमारा लाडला लाल सवेरे से खेल रहा है, मैं बैठा हूँ थाल पर, बुला के ले आओ। अब जाके वो कृष्ण से ये कहती है कि कृष्ण तेरे पिताजी पीढ़े पर बैठ के पाते पर बैठ के
थाली सामने रखी हुई है और देवी इंतजार कर रहे हैं, देवी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु उसमें नंद बाबा की आज्ञा भी है, तब उनको इस सुख की प्राप्ति हुई। अब जरा भीतर की ओर देखें। एवं जा भुगिभो प्रजीभो त्रिजीव मन घा कृत्वा ग्रत प्रार्थये श्री संवृत्ति रसावतु प्रभवती सानंद वृत्ति ततः। अब ये इस प्रकार जो अनघा वृत्ति, अनघा माने हमारी वृत्ति निष्पाप होनी चाहिए, और भोक्ता जीव को आगे रखकर भगवान से प्रार्थना करे, बुद्धि कहे कि हे प्रभु इस जीव का कल्याण करो, ये हमारा स्वामी है। तो रोहिणी कहती थी आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, मेरा स्वार्थ है, रोहिणी में पैदा हुए, रोहिणी और रोहिणी एक देखो वो। और जसोदा कहती है कि नहीं, मेरे जो मालिक है, पतिदेव है, तो वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो और यहाँ चित्त वृत्ति जो है वो अपने स्वामी जीव को सुख पहुंचाने के लिए आनंद वृत्ति हो रही है। ये नंद शब्द जो संस्कृत भाषा में है वो बड़ा विलक्षण है। नंदती नंदा प्रचाद्य आनंद बना रहे हैं वो, और नंदा अस्यास्ति नंदा हर्षादी मत्वर्ती है, खूब आनंद में भरे हुए हैं। नंदनम नंदा, इसको घाय बोलते हैं, घाय हर्ष आदि यज प्रत्यय और नारायण पचास यज प्रत्यय और खय प्रत्यय आनंदनम आनंद। अब तो महाराज जसोदा में आनंद ही आनंद है। तो नाम तो लोग बहुत रख लेते हैं, तदेवान्वर्थकम नाम यदर्थालंकृत कुमान प्रसादी समभूत स्पष्टम यशोदा सा यशस्विनी। नाम तो देखा हमने, छदामी मल को करोड़पति देखा, नाम तो रखा गया छदामी मल लेकिन है करोड़पति, और नाम है करोड़ी मल, और घर में खनखन पान। तो ये उल्टा पलटा नाम होने से कुछ फायदा नहीं होता, नाम तो हो आनंदिनी और सबको दुखी देता फिर। आपका नाम क्या है? बिहार में बड़े बड़े नाम होते हैं, राम प्रताप प्रसाद नारायण सिंह महाराज, हमारे डोगराओं के राजा थे, उनका नाम था राम रण विजय प्रसाद सिंह महाराज। घनाक्षरी का एक पद पूरा होता था, कभी लोग जब उनकी घनाक्षरी कवित्व का एक चरण पूरा होता था, राम रण विजय प्रसाद सिंह महाराज। तो नाम होना चाहिए सार्थक, टिंकू टिंकू है ना, ऐसा नाम रखते हैं महाराज क्या निकले। तो बोले जसोदा जी का नाम जसोदा है, तो कोई जस तो होना चाहिए ना। असल में नाम अनवर्थक जब होता है, माने जो नाम का अर्थ है वही गुण उसमें हो, तब वो नाम सच्चा होता है। देखो ईश्वर को प्रसन्न करके आज जसोदा जसस्विनी हो गई, माने रोहिणी को जो जस नहीं मिला था कृष्ण को पकड़ के लाने का, वो जसोदा को मिला। अब महाराज श्री कृष्ण ने क्या देखा, जसोदा मैया की विशेषता देखो, ये लीला है। आहूतो हमनागतोऽप्यनुदितो पेक्षां मुहुर्जन्मतिर्मामेवैति माम एव एति माम एव एति माम एव एति, अलग अलग नहीं, माम एवैति यशोदया हितदृशा मत्प्राप्ति बद्धस्पृहा। देखो मैया हमको बारंबार पुकारती है, और पुकारने पर मैं आता नहीं हूँ, इसके मन के खिलाफ काम करता हूँ, फिर भी ये नहीं कहती है कि नहीं आता है तो मत आवे, जाने दो, उपेक्षा नहीं करती है। देखो इसका कितना प्रेम है कि ये बुलाती है मैं नहीं जाता हूँ, तभी हमारी उपेक्षा करके चली नहीं जाती है। ये महाराज कई कई औरतों को ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो अपने पति को रोज परीक्षा परीक्षा के मेज पर ही रखते हैं, रोज रोज चार बात सुनाएंगे कि देखें हमारी सुन के सह लेते हैं कि नहीं। अब रोज रोज महाराज कहे तब तो बड़ा प्रेम, और एक आध दिन न सहे तो वो खुद परीक्षा भवन में नहीं जाएंगे बोला। ये जो लोग रोज अपनी पत्नी को या पति को रोज परीक्षा भवन में रखते हैं कि देखें हमारी गाली देने पर सहते हैं कि नहीं सहते हैं, हमारे बुरा करने पर सहते हैं कि नहीं सहते हैं, अपनी जिंदगी भर तो कोई परीक्षा भवन में बैठा नहीं रह सकता कि रोज परीक्षा में हम पास होंगे कि हमारा बड़ा भारी प्रेम है। अरे तुम भी एक आध दिन परीक्षा भवन में बैठो,
हम भी तुमको चार सुनाते हैं, जरा देखें तो सहन होता है कि नहीं होता है। ये जीवन की पद्धति नहीं है। हमेशा कोई परीक्षा भवन, एक बार परीक्षा जितनी करनी हो कर लो और उसके बाद फिर मान जाओ कि हाँ मैंने जो परीक्षा की थी वो ठीक है। तो महाराज देखो, बारंबार न आने पर भी यशोदा मैया उपेक्षा नहीं करती है, ऐसी है इसकी बुद्धि, हित की उसकी दृष्टि है और कृष्ण आ जाए जिसमें उसकी स्पृहा बंधी हुई है, हितकारिणी है। तो भूत्वा तत्सुलभस्ततश्च सहितस्तेनामृताव्यरहितम्, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ और हित सहित हो जाता हूँ और उसके द्वारा परसा हुआ जो अमृत है उसको अपने भोक्ता पिता के साथ भोजन करता हूँ। तो ये बात भगवान ने बिल्कुल प्रकट कर दी। तो देखो बारंबार पुकारने पर एक आदमी आया, बोले लो महाराज अपनी माला। तो बोले क्या बात है भाई, लो महाराज धोती अपनी, अब आज से हम आपका मंत्र छोड़ते हैं। क्यों? तो हमको 6 महीना हो गया जब से कुछ नहीं निकला इसमें, कोई तरक्की हमारी नहीं हुई, अब हम छोड़ रहे हैं। कि जाओ तो तरक्की तुम्हारे पास आने से कतराती हो, जानती है कि अगर ये हमको छोड़ सकते हैं तो हम इनके पास काहे को जाएंगे। जब ये पता लग गया कि इनके मन में हमको छोड़ने की बात बारंबार आती है, तो जब तुम्हारे मन में रोज छोड़ने की आती है तो एक आध दिन हमारे मन में भी आ जाती है, क्या बात है। तो ये इसकी रीति है। भोक्षे भोज्य दिव्य बोधि हरणा भोक्त्रा पितृभ्याम सह, कहते हैं इस तरह से यशोदा मैया क्या करती कि जो अशेष शेखर है सर्वोपरि भगवान जिससे बड़ा और कोई नहीं, उसको अपना बेटा मान करके एक और बलराम एक और कृष्ण दोनों को दोनों हाथ से पकड़ लेती और ला के घर में। और फिर इसका अर्थ ये है कि नंद बाबा पीठ पर बैठे नहीं है, पाटे पर बैठे नहीं है, थाली लगाई नहीं गई है, बोला बच्चे की भलाई के लिए कहे कि नंद बाबा इंतजार कर रहे हैं। इसमें ये जो सत्य जड़ लोग है ना, कोई धर्म जड़ होते हैं कोई ना, सत्य जड़ लोग है, बोले हाय हाय झूठ बोल के लिए आई। अरे भाई भलाई के लिए झूठ बोल के लिए आई, बच्चा तो अपना भला समझता नहीं है, तो उसको बोल के ले आई। जब ले आई तो लाग घर में न लाया, मजे से गर्म पानी के कप में बैठा के और साबुन लगा के और खूब मजे से नहलाया और उसके बाद कपड़े पहनाए, तिलक लगाया, श्रृंगार किया, गोदान करवाया, फिर बोली कि अब बाबा के साथ बैठ के एक थाली में भोजन करो, है ना। लाई थी खाने के नाम पर और स्नान करवाया, और रोहिणी चाहती थी कि हम स्नान के नाम पर ले जाए, तो बच्चा आता ही नहीं था। मैंने बच्चे के साथ, बच्चा जब तक नहीं बनोगे भाई तब तक काम कैसे बनेगा, है ना। तो जिसको महाराज ढूंढते ढूंढते बड़े बड़े ऋषि मुनि सती संत तकलीफ में आ जाते हैं। एक सज्जन थे होशियारपुर में रहते थे, होशियारपुर, उनका नाम बाबू जी था, सब लोग उनको बाबू जी कहते थे। तो अंतिम दिनों में उनकी स्थिति बड़ी ऊंची हो गई थी, माने वो उन्मन स्थिति में जैसे रहते हैं ऐसे रहते थे, एक तरह से जीवन मुक्त पुरुष थे, उन्मन स्थिति में रहते थे। तो उनसे कभी कभी लोग पूछते कि तुमको ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई, तो वो बोलते कि झूठ बोल के प्राप्त हुई। आप लोग ये मत समझना कि हम आप लोगों को झूठ बोलने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, है ना। हाँ, झूठ से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन आप इसमें जो रहस्य है उसको सुनो। वो बोलते कि हमने झूठ बोल के ऐसी ऊंची स्थिति प्राप्त। तो हरि बाबा जी महाराज पूछते हैं कि बाबू जी आपने क्या झूठ बोला कि ऐसी ऊंची स्थिति आपको प्राप्त हुई। हरि बाबा जी भी उसको बहुत मानते थे, हरि बाबा जी के गुरु भाई थे। तो बोलते कि महाराज से हमने ध्यान करना सीखा, जप करना सीखा, ध्यान करना सीखा, समाधि लगाना सीखा। अब जो लोग जप ही नहीं करते हैं उनको ध्यान कहाँ से बताया जाए, जिनका ध्यान ही लगता है उनको समाधि कहाँ से लगेगी। तो बोले सीखा तो हम जब करने के लिए बैठते है ना, तो लगता उठता तो कुछ नहीं, मन खूब चंचल होता और इधर उधर भागता। तो जब गुरु जी के पास जाते तो पूछते क्यों भाई कैसा भजन हुआ। बोले बहुत बढ़िया महाराज, समाधि लग गई, भगवान का दर्शन हुआ, बिल्कुल निर्विकल्प, आपकी कृपा है। बोले हाँ तुमको समाधि लग गई, वाह वाह वाह, तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, सचमुच तुम्हारा मन तो समाधि लगने लायक ही है ना, ऐसे गुरु जी बोल देते। तो दूसरे दिन भी ऐसे ही पूछते, तो जब जब वो पूछते कि कैसा भजन हुआ, तब कहते महाराज समाधि लग गई।
बड़ी बढ़िया निर्विकल। हाँ अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है भाई, तेरा मन बहुत बढ़िया है। देखो निर्विकल समाधि कितनी जल्दी आ रही है। अब वो महाराज जो कहते कि रोज मैं गुरु जी से कहता कि हमें निर्विकल समाधि लगती है, और वो कहते तेरा मन बहुत बढ़िया है, बस इतने से ही हमको ये निर्विकल समाधि की स्थिति प्राप्त हो गई। और महाराज कोई जाके कहता कि मेरा मन बड़ा खराब है, हमारे मन में तो हत्या का संकल्प उठता है, बदमाशी का संकल्प उठता है, तो गुरु जी क्या बोलते? कहां भाई, मन तो खराब होता ही है, धीरे धीरे करो, एक जन्म में नहीं तो दो चार जन्म में ठीक हो जाएगा। तो यही देखो, पहले जो बात कही थी ना वही, उसका भी यही रूप है, हो है ना। ये जो सत्पुरुष का संकल्प है, जहाँ देखते हैं कि स्वार्थ सिद्ध होगा वहां तो बड़ी बड़ी बात बता दें, और जहाँ समझते हैं कि ये बात तो हमारे स्वार्थ में बाधक पड़ेगी तो वहां झट छिपा लेते हैं। ये बात तो भोग से बृहद भव बने संति, नोत्पाता सति भीतिदाहा रक्षिता तत्र तत्रास्ति श्री सहित्य भवत स्फुटम्। देखो ये संसार एक बड़ा भारी जंगल है, और इसमें एक नहीं अनेक उत्पात भयंकर होते रहते हैं, इसमें ईश्वर सब जगह रक्षा करते हैं। और पहले बड़े ईश्वर आके रक्षा नहीं करते हैं, वो पहले नन्हे से ईश्वर को अपनी गोद में ले लो, अपने नन्हे से दिल की गोद में नन्हे से ईश्वर को बैठा लो, तो जरूरत पड़ने पर वो बड़े भी हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। गोकुल संगाद अर्जुन पतन मभूत तत्र का परस्य कथा, तस्मादस्य न संग समुचित इति युक्तम अवगत उपनन्दः। बोले भाई ये गोकुल का संग बड़ा बुरा है। देखो ये कवि की उक्ति जो है ना, वो क्या विलक्षण है। गोकुल माने इंद्रियों का कुल, इसमें आसक्ति, इसमें जो आसक्ति है इंद्रियों में आसक्ति, ये बहुत बुरी। क्यों? बोले देखो ये गोकुल माने इंद्रियों का कुल हो, गवाम कुलम गोकुलम, इंद्रियों का कुल ये शरीर, इसमें आसक्ति बड़ी बुरी है। कई के संग से क्या हुआ था, अर्जुन का पतन हो गया। अर्जुन माने अर्जुन वृक्ष, दोनों पेड़ बिचारे गिर गए गोकुल में आने से, तो फिर दूसरे की तो कथा ही क्या है। इसलिए अब इसका संग करना उचित नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए। ये सोच करके उपनंद ने जब पंचायत जुड़ी गोकुल वालों की, तो उसमें कहा कि बाबा आओ अब गोकुल छोड़ करके हम लोग वृंदावन चलें। देखो गोकुल शब्द माने गोकुल गांव नहीं है, वो ये गोकुल माने इंद्रियों का संग, और अर्जुन माने बड़े बड़े लोग जो है भगवान के सखा, वो भी जाते हैं। कर्ता जीव सत्य तत् कर्म साक्षी जब बात सब पंचायत इकट्ठी हुई, एक ये अद्भुत प्रसंग है, आपके ध्यान में कभी आवे न आवे, एक बालक के लिए, गांव का एक बालक है, और उसके ऊपर आती है विपत्ति, कभी पूतना आती है, तो कभी सगटासुर आता है, तो कभी तृणा बरसाता है, तो कभी पेड़ गिरता है। अब देखो उस गांव के लोग इतना प्रेम करते हैं उस बालक से, बेहद। आपने इतिहास में कहीं शायद ऐसा प्रसंग न सुना हो कि एक बालक की रक्षा के लिए पूरा का पूरा गांव, जिसमें हजारों स्त्रियां, हजारों पुरुष, हजारों बालक, लाखों गौएं जिनकी, और खेत बड़े बड़े और बगीचे बड़े बड़े, बन बड़े बड़े, संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु एक बालक के लिए पूरे के पूरे गांव ने अपने मकान छोड़ दिए, अपनी जमीन छोड़ दी, अपने खेत छोड़ दिए, अपने वन छोड़ दिए, और सब कुछ छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए चले गए। सारे गोकुल के लोग इतना प्रेम करते थे कृष्ण से कि ये बात ध्यान देने योग्य है। तो जब पंचायत इकट्ठी हुई तो उपनंद नामक जो गोप थे उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, बोले कि यहाँ तो बड़े बड़े उत्पात आते हैं, पूतना आई और शकटासुर आया और नारायण तृणा भरत आया, एक तो दूधई पिला के मारना चाहती थी, एक दबा के मारना चाहता था, एक उड़ा के मारना चाहता था,
देखो ना, एक पेड़ गिर के मारना चाहता था, बड़े बड़े उत्पात आए हमारे बच्चे के ऊपर यहाँ, तो उपनंद के बेटे नहीं है कृष्ण, बड़े बड़े उत्पात आए। तो उसने प्रस्ताव किया कि यहाँ बड़ा दुख है, एक प्रस्ताव का एक अंग है कि गोकुल में तकलीफ है, परंतु ये बताने से काम नहीं चलता हो। बोले कोई कहे कि यहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है, तो बोले ठीक यहाँ गर्मी तो पड़ती है, पर कहाँ चले, ठंडी कहाँ मिले, तो बोले ये तो हमने नहीं सोचा है, तो कहीं भी चलो, अरे जहाँ चलेंगे वहाँ भी गर्मी मिलेगी। अभी आज एक सज्जन कोई आए, वो मैंने पूछा रतनगढ़ में कैसी गर्मी है, बोले महाराज एक बार बरसा हुई, नहीं तो गर्मी तो बहुत है। अब मुंबई में गर्मी लगे और रतनगढ़ चले जाए तो वहाँ भी गर्मी लगेगी। तो एक जाने का स्थान भी तो चाहिए ना, एक जगह तकलीफ है उसको छोड़ो, तो पहले ये निश्चय कर लो कि वहाँ सुख मिलेगा, वहाँ जाएंगे, और दुख देख करके भागने की तो कोशिश करो, और सुख मिलने वाली जगह का पता ही ना हो। तो प्रस्ताव में दो अंग चाहिए हो, एक तो ध्वंसात्मक और एक रचनात्मक। तो उपनंद ने पंचायत में ये प्रस्ताव रखा कि गोकुल में बड़े बड़े दुख हैं, और एक प्रस्ताव का आधा हिस्सा ये था, ये जैसे अदालत में दरखास्त भी देते हैं ना, कोई मुद्दई जब दरखास्त देता है तो ये बतावेगा कि हमको ये तकलीफ इनसे प्राप्त हो रही है, एक बात, और इन तकलीफों से बचाने के लिए हमको ये दिला दिया जाए, ये भी चाहिए हो, अपनी मांग भी बिल्कुल साफ साफ चाहिए, नहीं तो अदालत का सातवें आसमान से तोड़ के देगी। प्रस्ताव में दो अंश होना चाहिए ना, मुद्दा ही कहेगा हमको ये तकलीफ है मुद्दाले से, तो मुद्दाले को ये आज्ञा दी जाए कि हमारी मांग पूरी हो जाए, ऐसे कहना पड़ेगा। तो उपनंद ने पंचायत में कहा गोकुल में बड़ी तकलीफ है, फिर उसने रचनात्मक प्रस्ताव रखा कि गोकुल से उठ के मथुरा नहीं जाना है, मथुरा में तो और ज्यादा तकलीफ है, फिर कहाँ जाना है, तो वृंदावन में जाना है। वनम वृंदावनम नाम वसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरोधम। तो उसने कहा कि यदि आप लोगों को ये रुचता हो तो बोले ये बात क्यों कर, देखो ये भी एक शिष्टाचार की बात है, ये किसी से कहना कि नहीं तुमको तो ये करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो एक बार जोर से थम से धरती पर हाथ पांव मार दिया और छमक के बोले कि अब तुम जाते हैं, अगर ये नहीं करोगे तो बस छोड़ दिया। तो ऐसे कहीं कोई बात मनवाई जाती है, बोले देखो ये है शिष्टाचार बोलने का कि हमको तो ये ठीक लगता है, परंतु आपको भी ठीक लगे तो ऐसा कीजिए, जिससे कहा जाए उसकी अक्ल का बिल्कुल तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना। आप पंचायत में बोले और कहे कि भले ही पंचायत इकट्ठी है तो क्या बात हमारी, और हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम पंचायत को कुछ नहीं मानते हैं, भाई जी पंचायत को आग लगा देते हैं। हे भगवान, ये कोई बोलने का ढंग हो तो बोलिए, तो क्या जब बोल देखी थी जानो तब बोलना चाहिए, कि जब बोलना आता होए सुख छंद अर्थ अनूप जाने लिए, और नहीं तो। तो ये क्या कहता है कि देखो कर्ता है जीव और साक्षी है ईश्वर, और दोनों इस गोकुल में रह रहे हैं, कर्ता जीव सत्य तत् कर्म साक्षी द्वावत पेतो गोकुलाधिष्ठित, ये गोकुल है गांव शरीर, और इसमें जीव भी है और जीव साक्षी ईश्वर भी है, द्वा सुपर्णा सज्जा सखाया दोनों इस शरीर में बैठे हुए हैं। आपने सुना होगा ना कि किसी के शरीर को लांघना पाप है, ये कथा आपने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, जरूर सुनी होगी। धर्मशास्त्र के अनुसार किसी के शरीर को लांघ जाना पाप है, ये धर्म की बात है। तो इसमें क्या कारण बताते हैं, ये भीमसेन जा रहे थे वो सौगंधिक वन में, कमल वन में, तो हनुमान जी अपनी पूंछ फैला के बैठ गए, तो भीमसेन को बड़ा अभिमान था कि हम चाहे जो कर सकते हैं। अब हनुमान जी की पूंछ फैली हुई तो हनुमान जी से कहा भीमसेन ने, ए बंदर अपनी पूंछ हटा ले, नहीं तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। तो हनुमान जी बोले कि हाँ भैया तुम कहते तो ठीक हो, पर मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब पूंछ हमारी बड़ी लंबी है उठती नहीं है, तो तुम ही जरा उठा के इधर से उधर कर दो ना, नहीं तो लांग के चले जाओ। बोले कि हम लांग के तो नहीं जाएंगे, क्योंकि शरीर के भीतर अंतर्यामी ईश्वर का निवास है, जीव का निवास है, इसको लांघेंगे तो उसका तिरस्कार होगा, तो हम लांग के तो नहीं जाएंगे, हटाओ। हनुमान जी ने कहा हमसे नहीं हटती है तो हटाओ।
अब महाराज भीमसेन ने कहा हम उखाड़ के फेंक देंगे। कहा जो मौज हो सो कर लो लेकिन हटाओ तो। अब जब महाराज भीमसेन लगे पूछ हटाने के लिए तो वो तो इंच पर टच से मत न होए अरे वो पूछ थक गए भीमसेन पसीने से लथ पर। तब बोली कि अरे बाबा तुम हो कौन सो तो बताओ। बोले हम तो तुम्हारे भाई हैं भाई, तुम भी वायु के पुत्र हो हम भी वायु के पुत्र हैं, दोनों भाई भाई हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये जो तुम्हारे अंदर अभिमान बढ़ गया है बहुत, इससे कहीं तुम्हारा नुकसान न हो जाए इसके लिए आके रास्ते में बैठ गया। वो देवताओं का सौगंधिक वन है, एक आध फूल जाके लेना हो तो ले लेना, वहाँ ज्यादा गड़बड़ नहीं करना। देवताओं की भूमि में क्यों जा रहे हो? तो देखो शरीर का लंघन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अंतर्ज्ञानी का निवास। और फिर महाराज जहाँ जीव ही जीव बैठे हैं, जीव जिनका शरीर, जीवों का उल्लंघन कैसे करोगे? जीवों के भीतर तो अंत, शरीर के भीतर अंतर्यामी अस्पष्ट है और जीवों के भीतर तो अंतर्यामी स्पष्ट है। वो स्पष्ट तो ये कहना कि तुम्हारे बुद्धि नहीं है, है ना, तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ है सो हम ही है। दूसरे की बुद्धि को भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। आजकल मनुष्य समाज में जो लड़ाई झगड़ा है ना, अपने परिवार में, जाति में, गांव में जो लड़ाई झगड़ा है, उसका कारण क्या है? एक दूसरे के मन को देखने समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सब ये कहते हैं कि हमारा तो मन है और सब खिलौने हैं, कठपुतली हैं। जैसे कठपुतली को कोई नचावे वैसे हम तुमको नचावेंगे। बोले अरे नहीं भाई, तेरे ही मन नहीं है, हमारे भी मन है। जैसे तू हमको नचाना चाहता है वैसे हम भी तो तुमको नचाना चाहते हैं। तो जो लोग दूसरे के मन की परवाह नहीं करते हैं उन्हीं को संसार में दुखी होना पड़ता है। और अपने मन तरीका दूसरे का भी मन, अगर ये ख्याल करो तो नारायण फिर तो मंगल ही मंगल हो जाए ना। तो इसी से पंचायत में नंद के सामने उपनंद ने ये प्रस्ताव रखा कि यदि भवताम यदि रोचते, भवद्भ्यो यदि रोचते, ये हमने तो जो हमारी समझ में आया तो कह दिया, अब जैसी पंचों की राय, भवताम यदि रोचते भवद्भ्यो यदि रोचते, अर्थात जैसी पंचों की राय वो सर आंखों पर, पंचों की राय सर आंखों पर। तो बोले दूसरा उसने क्या अंश रखा था कि वृंदावन चले, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम। ये वृंदावन का रस रहस्य दूसरा है, वनम वृंदावनम नाम, इसका वृंदावन वासी लोग अर्थ क्यों लगाते हैं, वो बड़ा विलक्षण। वो कहते हैं कि वेदांतियों का जो ब्रह्म है ना वही वन है, उस वन में बैठ करके सब भगवान का भजन करना चाहिए। केलो परिषद में आया है तत्थैतत् वनम, ये ब्रह्म क्या है कि ब्रह्म एक वन है, वन है वो वन। वन का अर्थ क्या होता है कि देखो पेड़ तो होते हैं अनेक लेकिन वन होता है एक, तो जो अनेक में एक है उसी का नाम वन है ना। अनेक नाम रूप में जो एक परब्रह्म परमात्मा है वो वन है। अगर भाई वहाँ बबूल का पेड़ भी वन है, वहाँ इमली का पेड़ भी वन है, वहाँ अंगूर की लता भी वन है, वहाँ आम का वृक्ष भी वन है, और वहाँ करेला भी वन है, और अंगूर भी वन है, वहाँ बबूल भी वन है, वहाँ आम भी वन है, अच्छा बुरा सब ब्रह्म स्वरूप है। अपने चित्त को इस तरह से शांत कर लो कि अच्छा बुरा सब ब्रह्म स्वरूप है। जन्म होए तो होए हम तो कृष्ण का ध्यान करेंगे, मौत होए तो होए हम तो कृष्ण का ध्यान करेंगे। वह वन में बैठने का मतलब क्या हुआ कि हो नहीं होए तो हो रे, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी हो नहीं। जब तक अपने चित्त को संसार के व्यवहार में सम नहीं करोगे तब तक भगवान का भजन नहीं हो सकेगा। वो दोस्त आवेगा वो दुश्मन आवेगा, दोस्त आवेगा वो भी भगवान का भजन नहीं करने देगा, दो दुश्मन आवेगा वो भी भगवान का भजन नहीं करने देगा। बोले दोस्त दुश्मन दोनों बराबर, चाहे वो आवे चाहे वो आवे, चाहे वो जाए चाहे वो जाए, हम तो बैठे भगवान में तब ना भगवान का भजन होगा। इसका नाम होता है वनम। वनम तद्धि तद्वनम किम तद्वनम कौ कौ वृक्ष आदो, वो कौन सा वन है, वो कौन सा वृक्ष है जिससे विश्वकर्मा ने ये संसार गढ़ा है, वो कौन सा वन है, वो कौन सा वृक्ष है जिससे इस दुनिया को विश्वकर्मा ने गढ़ा है। वनम वृंदावनम नाम
एक वन है, वो कौन है? उसका नाम है वृंदावन। वो कैसा है? बोले पशु पशव्यम नवकाननम पशव्यम, पशु पशुभ्यो हितम पशव्यम, पशुओं के लिए बड़ा हितकारी है। वहाँ गाय भैंस बकरी सब जंगल में हरी हरी घास चरती हैं। बोले महाराज, ये मनुष्यों में भी कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई बकरी है कि नहीं? मनुष्यों में भी तरह तरह के होते हैं ना। पशव्यम पशुभ्यो हितम, पशुओं के लिए भी हितकारी है। बोले वहाँ मच्छर होना भी वृंदावन में, वृंदावन के लोग बोलते हो क्या? धन धन, वृंदावन के मच्छर, वृंदावन के मच्छर धन्य है। क्यों धन्य है? जब ये भजन करने वाले लोग सोने लगते हैं ना, तो आके कान में गुनगुना के और पट से काट देते हैं तब से अपने सोना। जागो भजन करो, या काय को सोते हो, सोते हो, है ना? तो धन्य है। बोले वृंदावन के गधे भी धन्य है। क्यों? करे ईंटे ढो ढो के लाते हैं, तब साधकों के लिए कुटिया बनती है, सेवा तो करते हैं ना। कब वृंदावन के बंदर भी धन्य है। कैसे? कब बिहारी जी का प्रसाद लेके कोई चला आया कि फट से छीन लिया, तो उनको बिहारी जी का प्रसाद मिलता है खाने को। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम, पशव्यम का अर्थ है वो पशुओं के लिए भी हितकारी है। तुम्हारा मन अगर साफ है तब भी वहाँ चलो, तुम्हारा मन मच्छर है तो भी वहाँ चलो, तुम्हारा मन गाय है, भैंस है, ऊंट है, घोड़ा है, आदि है, तो भी है ना, तो भी वहाँ चलो। तो नारायण वो पशुओं के लिए भी कल्याणकारी है। पशव्याम मनुष्य पशुओं के लिए भी कल्याणकारी है। नव काननम, वहाँ ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, वहाँ समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो महाराज ऐसे 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 बंबई के भगत जाके वहाँ बसते हैं, घर में तो खूब मजे से सोएंगे खाएंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो टीका चंदन लगा के और चदरा वदरा ओढ़ के और माला हाथ में लेंगे, और माला भले धरती हुई, चूंकि घर में माला खूटी पर रहती है, जब सड़क पर चलते हैं तब हाथ में लेते हैं। चाहे नहाए के निकले, चाहे बिना नहाए निकले, चंदन लगा लेंगे। क्या होता है? कैसे भी भगवान खुश होते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं कि देखो हमारे दरबार में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनके लिए भी वृंदावन हितकारी है। कृपा तदा न भविता बाधा कुतः कर हित। अच्छा, अभी प्रसंग आपको कल सुना।